सिंधी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई के तत्वाधान पर विशाल स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन ममता हॉस्पिटल में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में निशुल्क रूप से मरीजों की जांच की गई, साथ में उन्हें दवाइयां वितरित किए गए। कार्यक्रम में लोगों ने भारी मात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ में दूर दराज से आए लोगों के लिए हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी मुहैया कराई गई। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मंत्री बुद्ध कुमार, सांसद सुनील सोनी, महापौर एजाज ढेबर, ललित जैसे रवि ग्वालनी, काजल सचदेव, राम गिलानी, सुनील वाधवा, राशि बलवानी, दीपक रहेजा, गौतम रेलवानी, नीलम कुकरेजा के अलावा अन्य पदाधिकारी और हॉस्पिटल कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 36 हिंदुस्तान। डॉक्टर सुनील रमानी, डॉक्टर कनक रमानी जी के टीम के द्वारा सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से यहाँ पे फ्री कैंप लगाया गया इनके हॉस्पिटल में, जिसके लिए हम पूरे समिति के मेंबर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और इस अच्छे कार्य के लिए हमारी शुभकामनाएं भी सबके साथ हैं। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे ललित जय सिंह जी के नेतृत्व में एक अच्छा स्वास्थ्य शिविर लगाया है और ब्लड डोनेशन का काम भी कर रहे हैं, तो ये ईश्वरीय कार्य है कि लोग स्वस्थ रहें, इसकी कामना के लिए एक शिविर लगाना और जो व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत है उसको नया जीवन दान देने का रक्तदान कार्यक्रम करवाना एक अच्छे काम के लिए। मैं इस काउंसिल को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अजीत द्विवेदी, महामंत्री जीवन बीमा मार्ग पंडरी व्यवसायी संघ और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आज आयोजन किया गया, जिसमें कि काफ़ी व्यापारियों और सभी प्रकार के जो सामान्य नागरिक हैं उन्होंने भारी मात्रा में आकर के इस शिविर को बहुत ही सफल पूर्व जो है सभी को बधाइयाँ शुभकामनाएँ देते हुए जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया और ये हमारे लिए काफ़ी जो है प्रसन्नता की बात है कि सभी लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ के जो है आम नागरिकों ने भाग लिया और ये बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। तो डॉक्टर, क्या लाभार्थी कैसे लाभ ले रहे हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सेवाओं की ज़रूरत है। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ की तरफ से आज ममता सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल में 6 रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 400 मरीजों ने लाभ लिया है। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया इस प्रकार के आयोजन जल्दी जल्दी करेगी, रायपुर के चारों दिशाओं में करेगी, जिससे ज़रूरतमंद मरीजों को लाभ मिले और हमें उम्मीद है कि इनका जो संकल्प है युवाओं का कि गंभीर रोग के मरीजों को ये कुछ न कुछ आर्थिक सहायता भी करेंगे। आज के इस आयोजन में इस ममता हॉस्पिटल में मोवा के सिंधी पंचायत ने, सदाणी मेडिकल हेल्प टीम ने, भारतीय सिंधु सभा ने, सब ने मिलजुल कर अच्छा सेवा कार्य किया। फिलहाल निःशुल्क जांच हुई है पर इसी दिशा में उन्हें इस फ्री मेडिकल कैंप का बहुत लाभ मिलेगा, छूट मिलेगी, मुफ्त में भी होगा और आगे भी ऐसे कार्य में और आगे बढ़ेगी सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया।